बहुत खराब लगा होगा जब आपकी गाड़ियाँ बिकी होगी। बैटरी में 18 महीने की मिली हुई है। ब्रिज में चढ़ जाता है ये? हाँ, ब्रिज में चढ़ जाती है। अच्छा, ये ऊपर में कैरियर ऊपर देना था। लेग गार्ड? अच्छा, लेग गार्ड भी नहीं दिया। देखो ये टूट गया किसी ने। अच्छा, इसका कवर नहीं दिया है क्या? इसका कवर नहीं दिया। और यहाँ पे भी आपको कवर मिल जाता है, हैंड पकड़ने के लिए है। आपने वो पत्थर क्यों रखा है वहाँ पे? कंपनी को भी ये सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कंपनी को कि एक वहाँ पर कुछ वेल्ड कर दे। आपको अलॉय व्हील मिल जाता है, कितना पड़ गया आपको ये गाड़ी? बैटरी इसमें एक्साइड की लगी हुई है, हल्की गाड़ी है, पिकअप भी ज्यादा भाग रही है। फिर से खड़े होने, गिर के खड़े होने की कोशिश किया है मैंने कि अब ये खुद का है कि अभी रिजाइन मतलब छोड़ के अब ये हफ्ते भर से खुद का फिर से स्टार्ट। लॉकडाउन से पहले मेरे पास गाड़ियाँ थी, वैन थी, ऑटो थी, मैंने गाड़ियों को बेचा है, कबाड़ी में दिया, फिर ऐसा से ऑटो का। छोटा सा रिस्पेक्ट मैं देना चाहूँगा दोस्तों आप लोग की तरफ से, एक छोटा सा रिस्पेक्ट है, ये मैं क्लैप करना चाहूँगा आपको। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह, नॉर्गी ऑफ इंडिया से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मेरे पूरे वीडियोस देखते होंगे। गाइस, मैं बिज़नेस रिलेटेड आपको वीडियोस लाता हूँ ताकि आप कम पूंजी में भी बहुत कुछ कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो। मेरे साथ है मिस्टर शेख रिजवान जी, है अतुल की ई रिक्शा, आप देख सकते हैं मिस्टर शेख रिजवान जी चलाते हैं, अतुल की इलाइट है। और बहुत दिन से एक हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि उनको एलाइट का एक रिव्यू चाहिए, तो आइए हम इनसे बात करेंगे। ये 2-4 दिन हुआ है इनको लिए हुए, पहले बिज़नेस भी किए हैं, बहुत सारी काम किए हैं ये, और मतलब जॉब भी किए हैं, बिज़नेस भी किए हैं, फिर जॉब किए हैं, ऐसा करके बहुत सारा स्टोरी है इनका। तो इस वीडियो का आप पूरा देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा, और ऐसे आप वीडियो देख के बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में अगर करना चाहो। चलिए आइए हम उनसे बात करते हैं। शेख भाई, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। ये आप कब लिए हुए गाड़ी को? मेरे को ज़्यादा नहीं, 2-4-5 दिन ही हो रहे हैं। अच्छा, तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मेरा खुद का भी काम था, लॉकडाउन से पहले मेरे पास गाड़ियाँ थी, वैन थी, ऑटो थी, मेरे स्कूल बच्चे थे। तो लॉकडाउन के पास क्या हुआ, स्कूलें बंद हो गई, काफ़ी लंबा टाइम तक स्कूल बंद हो गई है, 1.5-2 साल के बाद ही स्कूल चालू हुई है। तो उससे पहले गाड़ियाँ खड़ी हो गई तो फिर मुझे अब घर भी चलाना है, मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, बहनें भी हैं, तो मतलब जिम्मेदारी की वजह से मैंने गाड़ियों को बेचा है, कबाड़ी में दिया, फिर ऐसा से ऑटो का ऐसा बेचा है, फिर ऐसा करके फिर सेकेंड बार फिर मैं 1.5 साल के बाद फिर जॉब करा, नौकरी चालू करा, मतलब ड्राइविंग का काम स्टार्ट किया है। फिर दो साल लगभग गाड़ी चलाया हूँ। उसके बाद अभी मतलब पैसा इकट्ठा करके फाइनेंस करा के गाड़ी लिया हूँ अतुल की। अच्छा, तो अब रोड में चल रहा हूँ हफ्ते भर से, मान के चलो। अच्छा, ऐसा है। तो क्या जॉब भी किया इस बीच में आपने? हाँ, इससे पहले जॉब ही कर रहा था ना, अभी रिज़ाइन मतलब छोड़ के अब ये हफ्ते भर से खुद का फिर से स्टार्ट। तो ड्राइविंग में ही जॉब कर रहे थे? हाँ, ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा, प्राइवेट किस? प्राइवेट पे। हाँ, वो कितने सैलरी मिलती थी उसमें? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। फिर अभी आपने फिर हिम्मत करके फिर से ले लिया एक बार? अपना ले लिया मैंने, मतलब फिर से खड़े होने, गिर के खड़े होने की कोशिश किया मैंने कि अब ये खुद का है कि कभी 800, कभी 1,000 रुपये, कभी 500 रुपये, ऐसा खुद के काम में जितनी इंसान मेहनत करेगा कभी पैसा बढ़ के मिलता है, कभी कम हो जाता है, तो मतलब ठीक है। और किसी का को मतलब कोई सुनने की कोई बात ही नहीं है, नौकरी पे तो फिर कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे पहले आपने ई रिक्शा चलाया था क्या? इससे पहले मैंने ई रिक्शा नहीं चलाया, इससे पहले मेरे पास वैन थी, तो इको थी, ऑटो थी, ऐसा चल रही थी। तो लॉकडाउन के बाद से थोड़ी सी परिस्थितियाँ ख़राब हुई है, उसके बाद से फिर। तो आप तो फिर से वैन या कुछ ले सकते थे, आपने ई रिक्शा पे? तो उसके लिए क्या होता है, इको 7 लाख की गाड़ी है, महंगी गाड़ी है अभी। अच्छा। तो अभी फंडिंग उतनी है नहीं, तो धीरे धीरे फिर से बैकअप आएगा, स्टार्ट होगा, फिर मतलब चीज़ें पहुँचेगी वहाँ तक, समय लगेगा क्योंकि कोरोना ने थोड़ा सा अच्छे अच्छों की स्थिति डाउन किया है। मार्केट में तो बहुत सारी ब्रांड की ई रिक्शा है, आपने इसी को क्यों लिया? मतलब अब इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे दोस्त ने भी इसको फाइनेंस करवाया है, तो उसने कहा है एवरेज अच्छी दे रही है, 100 किलोमीटर से ऊपर चल रही है। 2 मिनट लगेगा? 4 बैटरी है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, 100 किलोमीटर भी चल रही है, और सजेशन किए हैं और भी लोग, और भी गाड़ियाँ हैं। अच्छा, तो उसके बेस्ट में ठीक है, हल्की गाड़ी है, पिकअप भी ज़्यादा भाग रही है, बाकी गाड़ियाँ भाग रही है, 30 की स्पीड है। अच्छा, 30 की स्पीड है? मिनिमम 30 की स्पीड। अच्छा, और एवरेज कितना दे दे रहा है? एवरेज 100 दे दे रही है, 100 चल जा रही है, 100 चल जा रही है। अच्छा, दिन भर में। और बैटरी कौन सी ब्रांड की है? बैटरी इसमें एक्साइड की लगी हुई है। एक्साइड की लगी हुई है। अच्छा, और ये 4 बैटरी वाली? 4 बैटरी वाली। आपने सिंगल बैटरी का नहीं सोचा? सिंगल बैटरी एक्चुअल पे क्या है, महंगी है। लिथियम बैटरी जो है वो 80 से 85 हज़ार रुपये की एक सिंगल बैटरी है,
साल दो साल के बाद अगर तीन साल के बाद ख़राब भी होती है तो फिर वो 80,000 रुपये इकट्ठा एक साथ लाना भी वो फिर पॉसिबल नहीं है अपने लिए। और तो ये चार बैटरी है तो ये 10,000 की प्राइस के अंदर पे है, 8 से 10,000 मिनिमम एक बैटरी है, तो ये पॉसिबल है, चेंज कर सकते अपन दो दो करके ऐसा करके, तो ये पॉसिबल है अपने हिसाब से। तो ये इसलिए चार बैटरी। कितना पड़ गया आपको ये गाड़ी? ये अपने को फाइनेंस करके 2,05,000 रुपये पड़ेगी। 2,05,000? हाँ, ये 30,000 डाउन पेमेंट में ऐसा। अच्छा, और ओरिजिनल इसका रेट कैश का क्या रेट है? 1,70,000 रुपये। 1,70? 1,70 कैश पूरा, मतलब पूरा सब ऑन रोड। हाँ, ऑन रोड इंश्योरेंस वगैरह ऑन रोड 1,70। अच्छा, तो इसको जब आप फाइनेंस किए हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा? नहीं नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। अच्छा, बना हुआ 15-20 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास में, 15 साल से ज़्यादा है। तो इसमें मैं देख सकता हूँ आपकी गाड़ी में आपको अलॉय व्हील मिल जाता है। हाँ, और जहाँ तक कि इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, इसका सॉकअप बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब इसका जो सस्पेंशन भी पीछे का ठीक है, सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है उस हिसाब से, मतलब अच्छी गाड़ी लग रही है। आपने वो पत्थर क्यों रखा है वहाँ पे? वो एक्चुअल पे क्या है अतुल, बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, पैर ब्रेक बहुत ऊपर है और नीचे डाउन हो जाता है ना एड़ी, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा तो दर्द होता है यहाँ। तो अब क्या है वो बैलेंस के लिए बराबर है, तो वो इसके लिए पत्थर रखा हुआ है वो। बट कंपनी को भी ये सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कंपनी को कि एक वहाँ पर कुछ वेल्ड कर दे, बना दे एक वो, तो वहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो अच्छा मिल जाता है आपको। आपने बारिश में तो चलाया नहीं अभी? नहीं नहीं, बारिश में भी चली तो उस हिसाब से अभी आपको पता नहीं है। बाकी यहाँ पे गार्ड वार्ड भी सही मिल जाता है, मजबूत है। हाँ, मजबूत है। और यहाँ पे मैं बॉडी देख रहा हूँ तो ये लोहे की है ना बॉडी इसकी, लोहे सही की। और यहाँ पे भी आपको कवर मिल जाता है, हैंड पकड़ने के लिए है। यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है। सीट भी देख रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है, मतलब एज ए क्वालिटी। सबसे अच्छी बात है कि अलॉय व्हील मिल जाता है आपको। और पीछे अब अपन देखते हैं तो स्पेस भी अच्छा है दोनों के बीच में ना। पीछे भी आपको इसका कवर नहीं दिया है क्या? इसका कवर नहीं दिया उसने। अच्छा, बहुत कुछ थोड़ा सा मुझे कमी लग रहा है। कुछ कुछ में कमी है, मतलब ये थोड़ा सा देना चाहिए था कवर। ये कवर देना था और ऊपर भी देना था आपको, स्टैंड देना था, कैरियर देना था, वो स्टील के वो लेग गार्ड। अच्छा, लेग गार्ड भी नहीं दिया? देखो ये टूट गया किसी ने, कल परसों में ये टूट गया है लेग गार्ड के कारण, है ना, ये टूट गया। तो उसकी आपने वजह से बोला नहीं है क्या ये सब करके देने के लिए? ऐसे ही नहीं, ऐसे ही बिक्री है ना अभी फिलहाल, हर कोई ऐसे ही मतलब। अच्छा, ले रहा है तो ऐसे ही बिक्री कंपनी। आपने सब आपने देखा है कि सबका ऐसी है? अतुल की यही है, बाकी गाड़ी में लगा है, किसी किसी कंपनियों में सब सारी चीजें लगी हुई है। अतुल में सब में देखा है? हाँ, अतुल के सारी गाड़ियों में ऐसे ही है। ये तो ठीक है, बट मुझे ये गार्ड होना चाहिए था। इसमें गार्ड नहीं है, थोड़ा सा भी टच होगा तो वो हो जाएगा। हाँ, वो क्रैक हो गया है। और यहाँ पे भी ये देना था थोड़ा, ये ऊपर में कैरियर ऊपर देना था। बट एनी वे, और कुछ खर्चा किया क्या आपने इसमें? मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें एडिशनल, कुछ भी नहीं किया है। और जैसे एडिशनल में खाली ये मैंने प्लाई लगाई है यहाँ पर ड्रिल करके। अच्छा, ये क्या है गैप की वजह से कमर अंदर घुस रही है तो बैंड थोड़ा सा लंबा आपको चलाना है। हाँ, लंबा चलना है तो थोड़ा सा। और इसमें साउंड सिस्टम भी आपको दे दिया है? भी दिया हुआ है, है ना। अच्छा, ठीक है, मतलब सही है उस हिसाब से आपने बॉडी को देख के इसमें वो किया है। और इसके साथ कुछ है उसका पाना पेचकस ये सब दिया? सब है अंदर में है क्या? अच्छा, ये तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ टूल किट दे दिया है, दिया है और उसका वो दिया हुआ है जैक, जैक जैक दिया हुआ है, सही है। नहीं ठीक है, सब स्विच वगैरह दिए हुए हैं, बाकी क्वालिटी ना बॉडी। हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन वही है कि अगर हम लोग 170 का ले रहे हैं तो ये छोटी सी कंपनी को ध्यान देना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। कि ब्रांड है इनकी, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें गार्ड वार्ड ये जो नहीं किया वो इसमें गलत कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी। हाँ हाँ, वो तो है। और आप बताइए कि अभी कैसा चल रहा है, अभी आप कितना मिनिमम कमा ले रहे हैं इसमें? अब ये मान के चलिए पर डे 500-600 रुपये अभी कम से कम एवरेज, कभी कम होता है कभी ज़्यादा भी हो जाता है, फिक्स नहीं है इस पर। कभी बढ़ जाता है 700, कभी फिर 300 भी ऐसा हो जाता है। और इसका ब्रिज कैसा है, ब्रिज में चढ़ जाता है ये? हाँ, ब्रिज में चढ़ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे चढ़ी जाती है, चढ़ी जाती है। कितने लोग को बैठा के आप? 5 लोग को भी बैठा के चढ़ जाती है। अच्छा, और कंपनी की सर्विस कैसा है, सर्विस में अभी गए हैं आप? अभी मैं सर्विस में एक ही बार गया हूँ, ठीक है। ठीक है, मतलब तुरंत सुनते हैं नॉर्मली, क्या सर्विसिंग में बहुत प्रॉब्लम करते हैं लोग? ठीक है,
आवाज आ रही थी तो लेके गया था, तुरंत फिर करके दिया है। अच्छा, सर्विस वारंटी क्या क्या चीज में मिला आपको? इसमें वारंटी मिली हुई है बैटरी में 18 महीने की मिली हुई है, और लगभग यही 18 महीने की सारी चीजों में सर्विस 6-7-8 सर्विस फ्री है ऐसा करके। अच्छा, ऐसा ही है। अच्छा, तो अभी क्या आप शादी हो गया आपका? हाँ, मैरिड। तो अभी बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं है, साल भर हुआ है शादी को, एक साल हो गया है। अच्छा, तो अभी अभी कैसा आपका फैमिली चल जा रहा है इससे? फैमिली तो वैसा है कि अब चलाना पड़ रहा है, मतलब जैसा भी है चल ही रहा है फिलहाल तो। हाँ, ऐसा है। लेकिन वही है कि एक टाइम आपके जीवन में आया था। हाँ, जब आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आया होगा लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुआ, साल वो घर पे रह के वो बहुत, और मतलब आपको भी बहुत ख़राब लगा होगा जब आपकी गाड़ियाँ बिकी होगी आपके ही आंखों के सामने, सामने है ना। ऐसा करके फिर मैंने नौकरी की, फिर ऐसा धीरे धीरे करते करते अभी फिर मैंने हिम्मत की कि फिर से खुद से खुद का काम सही के लिए मैंने गाड़ी फाइनेंस करवाई है अपनी। तो शेख रिजवान जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा आपने इन्फॉर्मेशन दिया, थैंक यू सो मच। और कहीं ना कहीं एक गिर के आप खड़े हो रहे हो, और डेफिनेटली बहुत कामयाबी आपको मिलेगी इन फ्यूचर। मुझे लगता है आपका कोई बहुत बड़ा सपना है कुछ अच्छा करने का है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का है, तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और आपने किराए में कभी गाड़ी नहीं चलाया क्या? चलाया, मैंने किराए में भी चलाया, 15 दिन महिंद्रा की गाड़ी भी चलाया। अच्छा, 300 रुपये किराया। तो उसमें कैसा था? उसमें रिस्पॉन्स ऐसा था कि 300 रुपये रोज का निकलना, मतलब अगर अपन 500-600 रुपये 700 रुपये भी कमा रहे हैं तो 300 रुपये सामने वाले को दे दे रहे हैं तो फिर मतलब नहीं, उससे अच्छा फिर कहीं नौकरी कर लो 400-500 रुपये रोजी वो, ऐसा करके। अच्छा। फिर मैंने 15 दिन ही चलाया, एक आइडिया लेके फिर मैंने खरीद कर दिया। हाँ, बाद में फिर मैंने खुद ही ले लिया धीरे से, पहले मैंने 15 दिन किराए की चला के समझा, आपको आइडिया मिल गया मार्केट आपको समझा कि ये भी अच्छी बात है, मतलब कोई डायरेक्ट मत लो आप लोग। वो 200 रुपये पर डे, अब इसकी 6000 की किस्त है महीने की, अब 200 रुपये निकालना है पर डे, वो तो आराम से निकल ही जाता है। फिर बाकी जो डाउन पेमेंट आपने कितना किया था? 30,000 रुपये 30,000 तो कम डाउन पेमेंट किया ना, मतलब कम डाउन पेमेंट किया उस हिसाब से, मतलब सही। आपको कितने दिन में डॉक्यूमेंट ये सब कंप्लीट हो गया? मतलब ये हफ्ते भर में सारी चीजें क्लियर हो गई। हफ्ते भर में दे दिया फिर आपको? हफ्ते भर में सब क्लियर है ना। तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, गिर के खड़े होना बहुत मुश्किल होता है, एक छोटा सा रिस्पेक्ट दूंगा मैं इनको आप लोग की तरफ से और नेवर गिव अप इंडिया की तरफ से, छोटा सा रिस्पेक्ट मैं देना चाहूँगा दोस्तों आप लोग की तरफ से, एक छोटा सा रिस्पेक्ट है ये, मैं क्लैप करना चाहूँगा आपको, और रिस्पेक्ट है ये। क्या होता है कभी कभार हम लोग को एक रिस्पेक्ट कभी कभार नहीं मिल पाता इस लाइन में अपन वो रहते हैं, ऑटो या रोड साइड कोई भी ऐसा काम, बट ये सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये आपको एक बूस्ट पावर देने का काम कर रहे हैं, आप और भी आगे कामयाबी मिले आपको, और बहुत लोग आपका वीडियो देखेंगे और बहुत मोटिवेट भी होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन में बहुत लोग बर्बाद हुए हैं नो डाउट, लेकिन वहाँ से कौन कौन किसने किसने खड़े हुए हैं ये इम्पोर्टेंट है ना। तो आपने हार नहीं माना, आपने फिर से जॉब ज्वाइन किया और फिर से ये किया, तो एक बहुत रिस्पेक्टफुल बात है और मोटिवेशन करने वाली बात है। तो इनसे मिल के अच्छा लगा, और आज आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, और मैं आपसे भी मिला, फिर ये बातचीत हुई, आप लोग की फीलिंग्स मतलब जाहिर हुआ है, मतलब बेटर फील हुआ। और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो घर का बड़ा होता है जिम्मेदारियाँ उसके कंधों पे रहती है, उसको करना ही पड़ता है, अब जिम्मेदारियों से इंसान भाग नहीं सकता। सही बात, फैमिली फैमिली होती है, अपने अपने ही होते हैं, तो जूझना पड़ता है परेशानियों से, एक दिन चीज़ें सब बराबर हो जाती है, एक अच्छा टाइम का इंतजार रहता है। बस बस बस, मतलब ये होता है कि अगर आपका टाइम खराब चल रहा है दोस्तों, हाँ, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, बस बाकी तो ट्राई करते रहो। देखो एक नया गाड़ी ले लिए है ना, तो ये 30,000 भी इनको जुटाने में बहुत प्रॉब्लम आया होगा है ना। तो आप अगर किसी अपने सगे रिश्तेदार से भी 5,000 मांगोगे तो रहने के बाद भी नहीं, अभी नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, इंसान को फेस करना होता है, फिर भी कोशिश करता है इंसान तो वो होती ही है, पॉसिबल चीज़ भी वो पॉसिबल हो जाती है। तो रिजवान भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों हमें इनसे बहुत मोटिवेशन मिला है, और देख सकते हैं कि बहुत बार गिरने के बाद उठे हैं, तो ऐसे हम उनको सीखते रहना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, अच्छे टाइम का वेट कीजिए, और ना आप एक टारगेट बनाइए, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये सोच लीजिए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं रोड साइड, एक समोसा बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, आप
काम को छोटा नहीं समझेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और मेरा ऐसी वीडियो देखा कीजिए, मेरा वीडियो देख के आप मोटिवेट हुआ कीजिए, सिर्फ वीडियो ही मत देखिए, कुछ करने का सोचिए। ऐसे लोग से जब मिलवाता हूँ आपको तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आप लीजिए इनसे और आगे बढ़ने का सोचिए। और जीवन में कभी हार मत मानिए दोस्तों, बहुत टाइम ऐसा लगेगा आपको कि मेरा टाइम ख़राब चल रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप चलते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइस, सी यू सून, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को।